की है. मुझे जब ये राजू और अभिजात मेरे पास आए पहले, मुझे लगता कि कल की बात है, पर इन्होंने आके ये गए थे मुन्ना भाई बनाने के लिए इसके घर, संजय के घर. तो मुन्ना भाई पे रिसर्च चल रही थी, तो ये लोग दोनों आके मुझे कहते हैं, सर हमारे पास तो मुन्ना भाई से भी बेटर है सब्जेक्ट है करके. तो आई वॉज शॉक, कहते व्हाट, कहते संजय दत्त की बायोग्राफी. तो मैंने इमीडिएटली कहा पागल हो गया क्या तुम, मतलब संजय दत्त क्या, व्हाट, संजय दत्त की लाइफ में है क्या जो तुम उसकी फिल्म बनाओगे, मतलब उसको ग्लोरीफाई करोगे, करोगे क्या उसका, उससे बेटर मेरे पे बना लो फिल्म यार, मेरी बेटर है लाइफ उससे. तो देन दे स्टार्टेड टेलिंग मी द स्टोरी एंड स्लोली एंड स्टेडीली आई डिस्कवर्ड संजय दत्त दैट फ्रेंकली आई डिडंट नो. I discovered a Sunil Dutt that I didn't know, and this is coming from a man who knew them for 20-25 years. First time मुझे पता चला कि मुन्ना भाई में जब वो सीन हो रहा था, जब दत्त साहब संजू को पकड़ के रो रहे थे और मैं वहां सीन पे खड़ा था और मैंने उनको कहा कि दिस इज वन ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंसेज दत्त साहब. मुझे ये पता नहीं था कि ये बाप बेटे सच में रो रहे थे और एक्टिंग नहीं कर रहे. तो जब वो सब बातें मुझे पता चली तो मैंने वो संजय दत्त और वो सुनील दत्त की कहानी, वो उनको डिस्कवर किया जो मैं जानता ही नहीं था कि एग्जिस्ट करते. और ये कहानी ऐसी है कि मैं, अब आप सब मीडिया के लोग हैं, कितने हीरो के हीरो लोगों के कहां कहां क्या चक्कर चल रहे हैं आप सबको मालूम होगा, कोई बोलता नहीं है और जो मीडिया होता है दोस्त उनको छुपा भी देता है. ये आदमी ने बैठ के हमको सारी अपनी कहानी बताई, ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमने इसको कहा भैया हम ये छाप देंगे सिनेमा में तो आप ठीक है, यू आर ओके विद इट, ही सेड यस. एंड वी हैड टू एक्चुअली टेक अ लीगल थिंग के भैया हम सब बता रहे हैं. तो ये ऐसी कहानी है जो मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं शुरुआत में तो बिल्कुल इसके खिलाफ ही था कि ये फिल्म बनाऊ. एंड टूडे आई स्टैंड हियर very proud of the film Raju Hirani has made, extremely proud because I've seen the film of what Abhijat has done, and it's just one of, really speaking, it, you know, making a biopic is very difficult. Mahatma Gandhi pe biopic banana bahut aasan hai kyunki aap Mahatma Gandhi ki baat kar rahe hain. Ye jo kahani hai ye sirf ek biopic ya Sanju pe kahani nahi hai, ye baap bete ki, media ki, bahut isme bahut ऐसी चीजें हैं जो आप डिस्कवर करेंगे जो मैंने की. तो अब आप टीजर देखिए पहले, तब आपको कुछ आइडिया होगा, फिर हम और बात करेंगे. थैंक यू.